फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में बात होगी एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। एम्पावर के बारे में कुछ दिन पहले भी इस चैनल पर बात हुई थी और उससे मैं बताया था कि इस स्टॉक में अभी तेजी बने रहने का आसार है और अभी भी देखेंगे तो इस स्टॉक में आज के दिन तकरीबन 2% के आसपास तेजी देखने को मिली है। BSE की वेबसाइट पर आपको ले चलूंगा, वहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि उसमें अपर सर्किट लगा है और अपर सर्किट लगने के बावजूद भी अभी इसमें कुछ लोग बाई सेल कर रहे हैं, मतलब बाई कर रहे हैं। सामान्यतः जब किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो उसमें बाइंग नहीं होता, लेकिन अभी इसमें बाइंग चल रहा है। चलिए शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए अभी काम के बारे में डिस्कशन करें, एम्पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है, तो आपको पता है कि ये कंपनी जो है IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब सॉफ्टवेयर बनाने का यहाँ पे जिक्र नहीं है, यहाँ पे जो काम है IT से संबंधित जो चीज़ों की यूज़ किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड सामान हो, कंप्यूटर के अंदर लगने वाली चीज़ें हों, वो सब कंपनी काम करती है और उसमें ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग करने का मतलब जो चीज़ें बनाती है IT संबंधित, उसमें खरीद फरोख्त भी करती है और उससे कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, जो पैसा कमाती है। तो काम के हिसाब से देखें तो देखिए IT सेक्टर तो हमेशा बुलंद रहेगा और आने वाले समय में जो IT सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर में भी तेजी रहेगी। तो एम्पावर इंडिया लिमिटेड काम के भी यहाँ पर समझें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से, क्योंकि अभी छोटी कंपनी है और सही समय देखिए यदि हम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हमें आने वाले समय में फायदा होगा। फंडामेंटल का थोड़ा सा यदि हम लोग ओवरव्यू ले लें तो मार्केट का देखेंगे तकरीबन 180 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, जिसमें मतलब छोटी कंपनी है इसलिए इस कंपनी का PE रेशियो काफ़ी महंगा है। सामान्यतः तो जो छोटी कंपनियां होती हैं उनका PE महंगा होता ही है, लेकिन मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग PE के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि यदि PE के हिसाब से देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी वैल्यूएशन वाइज महंगा लगेगा। 1 रुपये 54 पैसे के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है तो आपको सस्ता लग सकता है शेयर प्राइस, चूंकि कम है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी स्टॉक महंगा है। और सबसे बड़ी बात कि बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो कम है, सामान्यतः जो शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। एक अच्छी चीज़ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE जो कंपनी का है वो माइनस में नहीं है, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी पॉजिटिव में, ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको BSE पे ले के चलूँ तो BSE पर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है एम्पावर इंडिया लिमिटेड अभी ESM Institute में आपको चलते हुए दिखेगा। ESM Institute का मतलब होता है कि अभी SEBI के निगरानी में है, सर्विस फाइनेंस में इस स्टॉक को रखा गया है मॉनिटरिंग करने के लिए, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि आज इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है 1 रुपये 54 पैसे का और 20 दिसंबर यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि अपर सर्किट लगने के बावजूद भी देखेंगे तो इस स्टॉक में बायर्स और सेलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हैं, यानी कि इसमें बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। जब सेलर्स हैं तो इजिली आप इस स्टॉक को सेलर से बाई कर सकते हैं क्योंकि अपर सर्किट लगा है। उसके बावजूद चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से भी ये समझ लेते हैं कि यदि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ पर करेगा और जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है वो इसमें क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए। तो एक साल के चार्ट पर हम आ गए हैं और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो इस साल के शुरू से इस स्टॉक में लगातार तेजी बना हुआ और स्टॉक लगातार ऊपर ही जा रहा है। बीच में थोड़ा सा यहाँ पे बीच में करेक्शन लेना भी जरूरी है जहाँ पे ये ले रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ करेक्शन ले रहा है वहाँ से देखेंगे फिर प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो अभी देखिए अभी प्राइस बढ़ रहा है तो जो नए व्यक्ति हैं वो चढ़ती ट्रेन में चढ़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर बढ़ गया है, थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए। जहाँ से प्राइस करेक्ट होने नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर जब ऊपर उठने लगे तो वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। तो नए व्यक्ति के लिए अभी जहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस है वहाँ पे अभी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं, थोड़ा प्राइस को नीचे आने दीजिए। बाकी जिनका पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें यदि प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बेशक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यदि लंबी अवधि के निवेशक हैं तो एम्पावर इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप समय दे सकते हैं इस स्टॉक में और लंबी अवधि के निवेशक बन के एक मोटा रिटर्न इस स्टॉक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ओवरऑल ये पता लगता है कि अभी इस स्टॉक में तेजी बनी रहेगी और चूंकि जो कंपनी का काम है काम के बिहाफ पर भी लंबी अवधि में देखेंगे तो इस स्टॉक में तेजी रहेगी ही रहेगी। यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें जिससे ये पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप स्पष्ट देखेंगे कि जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में जबरदस्त तरीके से इसमें ग्रोथ हुआ है। सेल्स बढ़ा तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई है वह भी बढ़ा है। और जो यदि नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में बहुत सारा प्रॉफिट आ जाता है, जैसे कंपनी यदि कुछ साइड से बिजनेस करती है साइड इनकम होता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, लेकिन नेट प्रॉफिट में टैक्स वैक्स देने के बाद का प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो वह भी देखेंगे आपको नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखा और अभी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और अभी तो इस क्वार्टर रिजल्ट आने बाकी है, Q3 के रिजल्ट, तो उसमें आप देखेंगे और जबरदस्त तरीके से कंपनी का आपको सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यदि आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में है, तकरीबन 15% के आसपास प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के मालिक है खुद उनका इस पर भरोसा है इस कंपनी में, इसलिए वो बने हुए हैं, उनकी हिस्सेदारी ये बात को दर्शाती है, बाकी पब्लिक हिस्सेदारी तो है ही। ओवरऑल इस स्टॉक में एक कुछ भी निगेटिव अभी तक तो नहीं लगा, जो निगेटिव की बात है वो ये है कि स्टॉक का PE महंगा है। तो खैर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और IT के सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनका PE महंगा होता ही है, किसी भी IT स्टॉक को आप उठा के देख लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया कि हम लोग PE और
शेयर प्राइस देखे तो उठाते नहीं है किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को, हमेशा चार्ट देखते हैं, चार्ट पर जहाँ पे लेवल स्पष्ट नजर आता है वहाँ पर हम लोग किसी भी कंपनी को शेयर को बाई करते हैं। तो एम्पावर इंडिया लिमिटेड के बारे में क्या करना है, क्या होना है, सारी चीज़ें मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।